ओम शांति। आज हम सभी बाप दादा के घर मधुबन, जो बाबा ने इसी माउंट आबू में 1950 मसीहा में आए थे, जो ब्रिज कुटी है, इसकी लाइव वीडियो हम आप सभी को दिखा चुके हैं। देखना है तो इसमें है ही है। और उसके बाद जो पांडव बाबा ने बनाया था, ये देख सकते हो आप पीछे साइड में, ओम शांति भवन। आज से अव्यक्त मास शुरू होती है 1 तारीख से। आज से हम सभी बाबा की घर में, बाप दादा की याद प्यार में, हम सभी साइलेंस में योग भी करेंगे और उसके साथ साथ बाप दादा की परिक्रमा करेंगे, चार धाम की, चार धाम का योग भी करेंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन आप सभी को वीडियो आएगी, आप सभी देखना, बाबा को याद करना। भट्टी भी चलेगी, उसके साथ साथ बाबा की परिक्रमा भी चलेंगी। बाप दादा की याद प्यार में हम सभी परमात्मा की याद में रहते हुए अपना जीवन को श्रेष्ठ करते हुए, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, अपना आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, हम सभी अपना आप को याद प्यार देते हुए, बाबा को याद प्यार देते हुए हम कोशिश करेंगे खुश रहने के लिए और अव्यक्त मास को एंजॉय करने के लिए। बाप दादा के साथ आत्मा की स्थिति में रहकर बाबा को याद करना। जब भी आप सभी को भट्टी योग आएगी, आपको साइलेंस में आएगी। ये देख सकते हो बाप दादा की ओम शांति भवन। हम पहले शांति स्तंभ की तरफ आगमन करेंगे। आज अव्यक्त मास की पहला दिन है, ये देख सकते हो। ये गेट है बाबा की, ये बाहर की नज़ारा है पूरी, ये देख सकते हो। ये बाबा के ट्रांसपोर्ट, ये देख सकते हो। ओम शांति भगवान की तरह भगवान कर रहे। हम सभी शांति स्तंभ के आसपास पहुंच चुके हैं। आज अव्यक्त मास की पहला दिन है, हम सभी भाग्यवान हैं। चलिए आज हम सभी शांति स्तंभ में योग करेंगे, बाबा को याद करेंगे। आज से लेंगे बाबा के पास बैठकर ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि और ब्रह्मा बाबा की जो जीवन की चार स्तंभ है, उसी स्तंभ पे हम सब बैठ कर याद करते रहेंगे। एक है शांति स्तंभ, बाबा की हिस्ट्री हॉल, और उसके साथ साथ बाबा का कमरा और बाबा की कुटिया। पहला दिन हम सभी बाबा की शांति स्तंभ में बैठ। 2022 शुरू हो चुकी है, हम सभी शांति स्तंभ के पास पहुंच चुके हैं। बाप दादा को बहुत सारे याद प्यार, सारा विश्व आत्मा की तरफ से, सभी आत्माओं की तरफ से। आज हम सभी चारों तरफ परिक्रमा करेंगे बाप दादा के शांति स्तंभ के पास, अपना आपको शक्तिशाली अनुभव करेंगे चारों तरफ परिक्रमा करके। चलिए
ये जो आप लिस्ट देख रहे हो, ये शांति स्तंभ के सामने ही ये लिस्ट लगी है, बाप दादा की अमूल्य वचन, ये देख सकते हो। ये बाबा की ट्रांसपोर्ट, ओम शांति भवन की तरफ आगमन करेंगे। ये देख सकते हो छोटा सा गार्डन है इस तरफ, ओम शांति भवन की बाजू में ही है। कितना ग्रीनरी, कितना सुंदर लग रहा है। चलिए हम सभी ओम शांति भवन की तरफ आगमन करते हैं। ओम शांति भवन की पीछे की साइड में आप देख सकते हो सृष्टि चक्र की कितनी सुंदरता से वर्णित किया गया है, चार योग की और संगम योग की, ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। पूरी ये स्टेज है, इसी हॉल में दादी दीदियाँ बाबा ने सारा विश्व को कल्याण करने के लिए, अपना आप को महान बनाने के लिए इसी हॉल के अंदर बाबा ने अपना पुरुषार्थ किए, सारा विश्व को ज्ञान दिए, ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। नजदीक में जाकर आपको दिखाता हूँ ये सृष्टि चक्र की नज़ारा, ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। चार योग की सृष्टि चक्र की पूरी नॉलेज है इसके अंदर। ये बाहर की एरिया है, कितनी अच्छी हरियाली, कितना ग्रीनरी है। किताब स्टोर है, ब्रह्मा बाबा दादी प्रकाश मणि जी की हिस्ट्री पूरा है इसमें।
की मूर्तियाँ ये भाइयों की साइट है, पहले जो देखे थे बहनों की साइट। ये बाहर कुत्रो है, ये देख सकते हो यहाँ पांच विकारों का जो दिखाया दर्शाया गया है। पांच घोड़ा, ये बाबा की झंडा, दो हजार बाईस न्यू ईयर्स सभी को बहुत सारे याद प्यार है। 3 तारीख को आप सभी को बाप दादा की जो हिस्ट्री हॉल है उसका लाइव वीडियो देखने को मिलेगा। ओम शांति।